हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी लॉ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे आप बिजनेस लॉ देख रहे हैं इस चैनल पे, चाहे कॉरपोरेट लॉ देख रहे हैं, कोई भी एक्ट आप पढ़ने आए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ग्रेचुटी बोनस, जो भी इस पे धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे, सब एक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए लॉ के। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ लॉ के ऊपर कुछ बात करते हैं। बेसिक्स ऑफ लॉ के अंदर मैं बात करूंगा आपके साथ, लॉ होता क्या है, कैसे फ्रेम किया जाता है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन प्रोसेस होता है, जम्मू एंड कश्मीर में उसका क्या स्टेटस है, सारी बातें हम करेंगे। सारी स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, आप अभी सारी बातें पहले मेरी सुनिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप वो सारा कंटेंट नोट डाउन कर लें। इस कंटेंट के बाद आपको लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आप हर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। वेदर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर सी ए, सी एस, सी एम ए, बी कॉम, बी बी ए, इट इज़ कम और एल एल बी, इट इज़ कम्प्लीटली इमेटीरियल। ये वीडियो आपके लिए हर सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ होता क्या है। देखिए बेटा, लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर डिजाइंड टू रेगुलेट द सोसाइटी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट और यू कैन से एनी इंस्टीट्यूशन। अब हमने ये समझा कि लॉ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, जिसे गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये लॉ बनाता कौन है सर, कैसे बनते हैं, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में, इन द सेवेंथ शेड्यूल देर आर थ्री लिस्ट, द लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, द लिस्ट टू स्टेट लिस्ट एंड द लिस्ट थ्री दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट वन जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, अभी बस आप सुनिए, सारी बातें मैंने स्लाइड्स में बना रखी हैं, आपको मौका दूंगा पूरा नोट डाउन करने का। जो लिस्ट वन है जिसको हम यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर सारे मैटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लाइक इनकम, इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है ये तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इट इज स्पेसिफाइड इन द लिस्ट वन। लिस्ट टू जिसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है, स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। एंड देयर इज लिस्ट थ्री दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर्स दी गई हैं कि वो लॉ फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेवेंथ शेड्यूल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट जो है लॉ फ्रेम कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, और उस पावर को डिवाइड किया गया थ्रू थ्री लिस्ट। द लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। द लिस्ट टू इज स्टेट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की। एंड लिस्ट थ्री विच इज द कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर दोनों के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तो आइए जरा मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं। देखिए, सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट स्पेसिफाई मैटर्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट स्पेसिफाई मैटर्स ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ, एस जी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट्स, कॉन्करेंट लिस्ट बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पावर्स किस तरीके से डिवाइडेड है। अब सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती किस तरीके से है, बड़े ध्यान से देखिए बेटा। कोई भी एक सिचुएशन, एक टॉपिक जो रेज होता है या कोई भी एक ऐसा मैटर जो गवर्नमेंट के पास आता है, उस मैटर को लेकर अगर लॉ बनाने की रिक्वायरमेंट है तो स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, एक पूरा का पूरा लॉ का प्रपोजल डिज़ाइन करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है कि लॉ क्या होना चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रोविजंस होने चाहिए। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है एक स्टैंडिंग कमेटी तैयार करती है। स्टैंडिंग कमेटी उस ड्राफ्ट को बनाने के बाद
उसको भेजती है कैबिनेट के पास, कैबिनेट उसको अप्रूव करता है। जब कैबिनेट का अप्रूवल उस ड्राफ्ट के ऊपर आ जाता है तो उस ड्राफ्ट को रखा जाता है पार्लियामेंट में। ये मैं सेंट्रल लेवल के आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल लेवल के जितने भी लॉ बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कोई भी मैटर अराइज होगा, ड्राफ्ट अराइज होगा, उस स्टैंडिंग कोई भी मैटर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंट की जाएगी, वो उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट बनने के बाद उसे भेजा जाएगा किसके पास? कैबिनेट के पास। कैबिनेट से जब वो अप्रूव हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसे अगर वो अप्रूव कर देगी, उसके बाद वो जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सबसे पहले वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जब मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा, 50% प्लस से पास हो जाएगा, उसके बाद उसे भेजा जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में जब वो पास हो जाएगा तो उसके बाद उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड द मोमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल साइन दैट ड्राफ्ट, इट विल बिकम द लॉ। लॉ बनने से पहले वो सिर्फ ड्राफ्ट होता है, और ड्राफ्ट लॉ बनता कब है? व्हेन इट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो उसी समय रूल ऑफ लैंड बन जाता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली द प्रपोजल, द एंटायर प्रोसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी अ मैटर ऑन विच स्टैंडिंग कमेटी विल बी अपॉइंटेड। स्टैंडिंग कमेटी विल फ्रेम द इनिशियल प्रपोजल्स, इनिशियल मैटर्स, दैट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट विल बी सेंड टू कैबिनेट, कैबिनेट टू पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। सर पब्लिक का रोल नहीं हो सकता? अगर पब्लिक इंटरवीन करना चाहे, कुछ सजेशन देना चाहे, जी हाँ क्यों नहीं, जरूर होता है। जब स्टैंडिंग कमेटी कोई ड्राफ्ट बनाती है तो उसके बाद जब वो ड्राफ्ट बन जाता है, स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से फाइनल हो जाता है, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसके एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और वो ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक के लिए ओपन भी किया जाता है। तो अगर पब्लिक किसी तरीके का ओपिनियन देना चाहती है तो दे सकती है, बट इट इज़ अप टू द स्टैंडिंग कमेटी कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। सर सपोज कैबिनेट से अप्रूव हो गया, पार्लियामेंट में गया, लोकसभा या राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया मेजॉरिटी से, तो क्या होगा? तो अगर वो पास नहीं हो पाया तो कोई ना कोई ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस बताए गए होंगे कि आप ये चेंजेस करके लाइए तभी हम पास होने देंगे या डिस्कशन होने देंगे। तो फिर वो लोकसभा से दोबारा आ जाता है स्टैंडिंग कमेटी पे, विचार किया जाता है कि जो लोकसभा के अंदर चेंजेस बताए गए हैं, चेंजेस को हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं लॉ में, क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स। तो जो लोकसभा एंड राज्यसभा में अमेंडमेंट्स डिस्कस किए गए थे, स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर अगेन दोबारा से रीथिंक करती है कि वो चेंजेस करने चाहिए या नहीं। फिर प्रोसेस वही, फिर वहां से जाएगा कैबिनेट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर वापस आ गया तो कुछ नहीं होता, चलता रहेगा ये प्रोसेस। लेकिन लॉ बनने का तरीका यही है, स्टैंडिंग कमेटी, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। जबकि यही चीज जब आप स्टेट लेवल पे बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी विल रिमेन सेम, स्टैंडिंग कमेटी के बाद कैबिनेट होगी स्टेट की। सेंट्रल ऑब्वियसली जब स्टेट का कोई लॉ है तो स्टेट की कैबिनेट होगी। स्टेट की कैबिनेट के बाद वो जाएगा वहां से विधानसभा में, विधानसभा से उसके बाद जब वो पास हो जाएगा विधान परिषद में, फिर वहां से उसके बाद वो आगे जाएगा गवर्नर के साइन होने के लिए। एंड जब गवर्नर के साइन हो जाएंगे तो वो उस स्टेट का जो है लॉ बन जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स किस तरीके से लॉ बनाती हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, दैट इज कि जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, क्या वो पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं? देखिए एज सच कोई भी लॉ जो बनता है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को इसमें कुछ रिलीफ प्रोवाइडेड किए गए हैं, J&K को कुछ रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी लॉ इंडिया की पार्लियामेंट से पास होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा तभी जब वहाँ की लोकल असेंबली में वो पास हो जाएगा। अगर वहाँ की लोकल असेंबली में वो लॉ पास नहीं होता तो वो लॉ J&K में एप्लीकेबल नहीं है। बट देर आर 5 मैटर्स जिसके ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ फ्रेम किया है तो वो, या कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो वो J&K में अप्लाई होंगे ही होंगे। उसमें J&K असेंबली का कोई भी इंटरवेंशन नहीं देखा जाएगा। ऑल लॉज अप्लाई टू होल इंडिया एक्सेप्ट J&K अनलेस इट इज
पास्ट अनलेस इट इज पास्ड इन असेंबली ऑफ जे एंड के, जब तक वो वहां की असेंबली के अंदर पास नहीं हो जाते. हाउएवर ऑन दीज मैटर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी सेम, जो मैटर्स मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इवन रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड इन द असेंबली. अब वो मैटर्स कौन कौन से हैं, देखो याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ. सी डी ई एफ, पहले सी इज द कम्युनिकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की. आप जे एंड के में जाइए, ठीक है, वहां पर आपको कोई भी लोकल कम्युनिकेटर नेटवर्क नहीं मिलेगा, बीएसएनएल मिलेगा या एयरटेल के सिम्स चलते हैं. डिफेंस के पर उनकी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. इलेक्शन जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा. फॉरेन पॉलिसीज वही अप्लाई होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी. एंड मनी, जे एंड के अपनी सेपरेट करेंसी इशू नहीं कर सकता. जो करेंसी क्या बोलते हैं इंडिया में फॉलो हो रही है, वही करेंसी जो है जे एंड के अंदर फॉलो की जाएगी. आफ्टर दिस बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कि लॉ की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है. लॉ की ड्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो उसे किस पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है. देखिए, जो भी लॉ की थ्योरी टेक्स्ट तैयार किया जाता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्ट. एक्ट कोई भी एक्ट है, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे कंपनी एक्ट है, चाहे ग्रेचुटी एक्ट है, उसको हम इनिशियली डिवाइड करते हैं चैप्टर्स के अंदर. लाइक आपका जो सिलेबस होता है वो चैप्टर्स में डिवाइड होता है, सेम वे एक्ट को भी डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका चैप्टर वन है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर टू है कंसीडरेशन. तो हर एक्ट को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले चैप्टर्स में. चैप्टर्स के बाद हर चैप्टर को आगे डिवाइड किया जाता है सेक्शंस के अंदर. सेक्शंस आगे डिवाइड होते हैं सब सेक्शन में, सब सेक्शन आगे डिवाइड होते हैं क्लॉज में, और क्लॉजेस आगे डिवाइड होते हैं सब क्लॉजेस के अंदर. कैसे, आइए जरा देखते हैं, घबराओ मत. देखिए, सबसे पहले एक्ट होता है, एक्ट को आगे हम किस में डिवाइड करते हैं चैप्टर्स, चैप्टर्स को सेक्शंस में, सेक्शंस को सब सेक्शंस में, सब सेक्शन को क्लॉजेस में, और क्लॉजेस को सब क्लॉजेस के अंदर. इस तरीके से पूरे एक्ट का बाइफर्केशन किया जाता है. अब इसे रीड कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है यार. कितनी बार बोला है, मुश्किल होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मुश्किल चीज़ मैं पढ़ाता ही नहीं, आसान जो पढ़ाता हूँ वो आसान बस. अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है इसको वो बताता हूँ मैं आप लोगों को. सबसे पहले देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है 211A, जो सबसे पहली चीज लिखी होती है दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन. उसके बाद जो लिखा होता है उसको बोला जाता है सब सेक्शन. उसके बाद जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज, और उसके बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं सब क्लॉज. तो अगर मुझे इसको पढ़ना है तो हाउ सेक्शन टू सब सेक्शन वन क्लॉज वन सब क्लॉज ए. समझ में आया, एक और बताऊं, चलो 10(1)(5)(b) बताओ. सेक्शन 10, वेरी गुड. सब सेक्शन 1, वेरी गुड. सब क्लॉज 5, गुड. एंड सब क्लॉज बी. एक और पढ़ना है, चलो तुम्हें मजा आ रहा है. 5(2)(3)(a) बताओ. सेक्शन 5, सब सेक्शन 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज ए, वेरी गुड. तो दिस इज द वे जिस तरीके से हम सेक्शंस पढ़ते हैं. कई बार सिर्फ ऐसे लिखा होता है जैसे 234. तो हाउ टू स्टडी दिस, दिस इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. बहुत बढ़िया, ठीक है. जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे ही लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 क्लॉज है तो आगे क्लॉज भी पढ़ेंगे. तो हाउ टू स्टडी अ पर्टिकुलर सेक्शन एंड हाउ द एक्ट इज डिवाइडेड वो मैंने आपको बताया. अब एक बहुत अच्छा डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा यूनिक है, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है. देखो जैसे लिखा हुआ है सेक्शन 21, 21 मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1. फिर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 2. बट नीचे देखो मैंने वही चीज दोबारा लिखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. बट देखो मैंने यहां क्या लिखा है, सेक्शन 2 एंड क्लॉज 1. मैंने यहां सबसेक्शन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, क्लॉज. अरे सर क्या कर रहे हो, अभी तो आपने बताया था इसे सबसेक्शन बोलते हैं, अब यहां पर आपने क्लॉज लिख दिया है. बताऊं,
एक शर्त पे बताऊंगा, क्या? सब्सक्राइब करो फटाफट। हाँ कर दिया, चलो बताता हूँ। ध्यान से देखिए ये क्या गेम है पूरा का पूरा। देखो सेक्शन के साथ जो होता है उसको हम, एक मिनट भाई आ जा, सेक्शन के बाद हमेशा सब सेक्शन ही आता है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हम सेक्शन टू सब सेक्शन वन ना बोल के क्लॉज वन बोलते हैं। ऐसा कब होता है सर? ध्यान से देखिए, अगर सेक्शन के साथ सब सेक्शन रिलेटेड है, सेक्शन टू आपने लिखा, पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री उसके अंदर है एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, देन इट विल बी टर्म्ड एज सब सेक्शन। बट इफ दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देन इट विल बी टर्म्ड एज क्लॉज। थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक और एग्जाम्पल देता हूं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। रिलेटेड विद ईच अदर, नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते। ये बात क्या है समझाता हूं, शांति रखो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं आ गया ब्लैक स्क्रीन पे, और ब्लैक स्क्रीन पे मुझे समझाने में बहुत मजा आता है। चलिए सपोज मैंने लिखा, ध्यान से समझना बेटा, सेक्शन टू, ठीक है, इसमें मैंने बताया बिल्डिंग की डेफिनेशन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया इसमें कस्टमर की डेफिनेशन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताई डेटर की डेफिनेशन, ठीक है, ऑल दीज आर द डेफिनेशंस, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, क्या कोई भी डेफिनेशन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है? नहीं होती। तो यहां पर ये जो आप देखो ए बी सी मैं लिख रहा हूं, टू ए, इसके अंदर किसकी डेफिनेशन थी? बिल्डिंग की। 2A के अंदर जो मेरे पास डेफिनेशन है बेटा वो किसकी है? बिल्डिंग की है, यस और नो? 2B में किसकी है? कस्टमर की। 2C में किसकी है? डेटर की। तो ये जो 2 है ये तो सेक्शन है, बट इस A को मैं सबसेक्शन नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? क्लॉज, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, हा या ना? समझ में आ गया आपको? लेकिन ध्यान से देखिए, कुछ मैंने ऐसे लिख दिया सेक्शन 10, दिस विल अप्लाई इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर कंप्लाइड। और उसमें मैंने सारी कंडीशंस लिखी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो नाउ हेयर इट इज रिलेटेड, और इसको मैं जो पढ़ूंगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉजेस नहीं पढ़ूंगा। अगर सेक्शन के साथ जो लिखा हुआ है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो वो सब क्लॉज पढ़ा जाएगा, रिलेटेड है तो ही सब सेक्शन पढ़ा जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको वक्त वक्त पे दूंगा, अभी सिर्फ आप इतनी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग में, क्या कि अगर वो रिलेटेड है तो ही मुझे सब सेक्शन पढ़ना है, अगर रिलेटेड नहीं है तो मुझे सिर्फ सब सेक्शन ना पढ़ के क्या पढ़ना है? क्लॉज पढ़ना है।
अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं डेफिनेशंस की। देखिए लॉ कोई भी एक्ट होता है तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जैसे हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, तो ये जो वर्ड्स किसी भी एक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, इसका मीनिंग हमें क्या लेना है, किस तरीके से समझना है, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कोई भी वर्ड अगर किसी भी एक्ट में यूज किया गया है और उसकी डेफिनेशन उसी सेक्शन के अंदर बताई गई है, सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई भी एक एक्स वाई जेड एक्ट है कोई भी, ठीक है, उसके सेक्शन 11 के अंदर एक वर्ड यूज किया गया से बिल्डिंग, एक वर्ड यूज किया गया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग तो हमें भी पता है क्या होती है, बट उसी सेक्शन के अंदर बिल्डिंग में बताया गया कि बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, तो फिर हमें अपना मतलब समझने की जरूरत नहीं है, जो उसी सेक्शन में बिल्डिंग की डेफिनेशन बताई गई है हमें वो डेफिनेशन बिल्डिंग की लेनी है। इन केस उस सेक्शन में उस वर्ड की डेफिनेशन नहीं है, इन केस उस सेक्शन में उस वर्ड की डेफिनेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस केस के अंदर हमें जाना है फिर सेक्शन 2 के पास। किसके पास जाना है? सेक्शन 2 के पास। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 बेटा सिर्फ और सिर्फ बताता है सारी की सारी डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हमें जाना है सेम सेक्शन के अंदर। क्या सेम सेक्शन में वर्ड डिफाइन है? वहां डिफाइन नहीं है तो क्या किसी और सेक्शन पे जा सकते हैं, किसी अनदर सेक्शन पे? नहीं जी, किसी और सेक्शन पर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ आप जा सकते हो किसके पास, सेक्शन 2 के पास। ये नहीं है कि ध्यान से समझो, सेक्शन 11 में बिल्डिंग वर्ड यूज किया गया, बट सपोज सेक्शन 10 के अंदर बिल्डिंग वर्ड डिफाइन है, डिफाइंस बिल्डिंग, तो आप अपनी मर्जी से जो सेक्शन 11 में वर्ड बिल्डिंग लिखा हुआ है वो सेक्शन 10 वाला नहीं समझोगे, अनटिल एंड अनलेस सेक्शन 11 में ये स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि जो सेक्शन 10 में बिल्डिंग का मतलब लिया गया है वही सेक्शन 11 में चलेगा। अगर कोई वर्ड किसी भी सेक्शन में यूज किया जाता है, उसकी डेफिनेशन उसी सेक्शन में है, तभी वो उसके लिए एप्लीकेबल है, किसी और सेक्शन से आपको उसे बोरो करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज हमारे पास एक सेक्शन 51 है जिसमें हमें वर्ड दिया गया है सैलरी, ठीक है, बट सैलरी जो है वो डिफाइन नहीं किया अंडर सेक्शन 51, बट सेक्शन 17 के अंदर डिफाइन किया गया है सैलरी, ठीक है, एंड सेक्शन 2 में भी सैलरी डिफाइन किया गया। तो ध्यान से देखिए, अगर सेक्शन 51 में सैलरी डिफाइन नहीं है तो आपको सेक्शन 17 वाली डेफिनेशन सेक्शन 51 के लिए नहीं लेनी। सेक्शन 2 वाली तो ले सकते हो बट सेक्शन 17 वाली नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसने लिख दिया क्या सैलरी डिफाइन की है सेक्शन 51 ने सेम एज सेक्शन 71, ये एक्सप्रेसली लिखा गया है, only then आप इस डेफिनेशन को जो है वो यहां से पिक कर सकते हो, फिर आपको उसे सेक्शन 2 से लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बात होपफुली समझ में आ रही है। याद रखिए लॉ के अंदर स्पेसिफिक
प्रोविजन ओवर रूल्स जनरल प्रोविजन। अगर मैंने कोई बात स्पेसिफिकली लिख दी है कि मुझे सेक्शन 17 वाली ही लेनी है तो फिर 17 वाली लेंगे, सेक्शन 2 वाली हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले किसके पास जाना है, सेम सेक्शन में। सेम सेक्शन में नहीं है तो फिर किस पे जाना है, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में भी नहीं है तो फिर हमें डेफिनेशन लेनी है जनरल क्लॉज एक्ट से। जनरल क्लॉज एक्ट जो है बेटा वो कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस देता है, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस ही बताता है जो हमें कंसिडर करनी होती हैं अगर सेक्शन 2 के अंदर गिवन नहीं है। क्लॉज जनरल क्लॉज एक्ट पूरा का पूरा एक एक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को डिफाइन किया गया, और अगर वो वर्ड जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर भी नहीं है तो उसके बाद हमें लेना है कॉमन पैरालेंस, मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग, जो लेमैन लैंग्वेज में उस वर्ड को जिस सेंस में यूज किया जाता है उसके बाद हम उस वर्ड को उस सेंस में इंटरप्रेट करते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी वर्ड को किस तरीके से चेक करना है, सेम सेक्शन में डेफिनेशन है ठीक है, नहीं है सेक्शन 2 है नहीं है, फिर किसके पास, सेक्शन 2 में है तो ठीक है, नहीं है तो जनरल क्लॉज एक्ट से ढूंढेंगे, जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं है तो फिर कॉमन पैरालेंस की सेंस में उसे इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये वे होता है कोई भी वर्ड अगर एक्ट के अंदर है उसको डिफाइन करने का। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन कितने तरह की होती है, तो दो तरह की डेफिनेशन होती है लॉ में, एक होती है एग्जॉस्टिव और एक होती है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो होती है उसके अंदर जो डिफाइन कर दिया गया वही डेफिनेशन रहेगी, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, नन इज लेफ्ट फॉर इमेजिनेशन, जो उसमें लिखा हुआ है वही सेंस में आपको इंटरप्रेट करना है। बट जबकि इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होती है उसके अंदर हम जो है बेसिकली एग्जाम्पल्स के तौर पे डिफाइन करता है लॉ, मतलब उसमें स्कोप ऑफ इंक्लूजन होता है। जैसे अगर कुछ लिखा हुआ है पेट इंक्लूड्स डॉग कैट एटसेट्रा, ठीक है, तो पेट इंक्लूड्स डॉग एंड कैट, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ डॉग और कैट ही आ सकते हैं, रैट भी आ सकता है, यस और नो, बट क्या लॉयन आ सकता है, नहीं लॉयन नहीं आ सकता। देखो डॉग और कैट लिख के लॉ ने बताया है कि किस तरह के एनिमल आ सकते हैं, ये नहीं है, उससे सिमिलर एनिमल्स तो आ सकते हैं बट ये नहीं है कि आप उसमें लॉयन ले आओगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन रूल्स। इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज, इंक्लूसिव डेफिनेशन की पहचान ही होती है इंक्लूड्स लिखा होता है और उसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर सिखाया जाता है और सिमिलर चीजें। अब जैसे यहां डॉग और कैट है तो सिमिलर स्पीशीज यू कैन ऐड ऑन बट डिफरेंट स्पीशीज लाइक लॉयन यू कैन नॉट ऐड ऑन इन दिस डेफिनेशन, जबकि एग्जॉस्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता, जो लिखा हुआ है दैट इज फुल एंड फाइनल। आफ्टर दैट द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द वर्ड शेल एंड मे। कई बार आप जब लॉ पढ़ते हैं तो बहुत जगह शेल वर्ड यूज किया जाता है और कुछ जगह मे वर्ड यूज किया जाता है, तो बेटा अगर लॉ में किसी सेंटेंस में शेल यूज किया गया है इसका मतलब वो मैंडेटरी लाइन है, किसी भी तरीके का कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। बट अगर कहीं मे वर्ड यूज किया गया है किसी लाइन में, मतलब वो चीज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नेचर की नहीं है। मे का मतलब अगर सपोज लिखा गया है मे बी एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब क्या है कि चाहो तो एक्सेप्ट हो भी सकती है और नहीं भी, बट शेल बी एक्सेप्टेड इसका मतलब वो हमेशा ही एक्सेप्ट होगी ही होगी, समझ में आई बात। मे बी एक्सेप्टेड एंड शेल बी एक्सेप्टेड, होपफुली यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू। शेल समथिंग इंडिकेट्स विच इज मैंडेटरी इन नेचर, वेयर एज मे इंडिकेट समथिंग विच इज ऑप्शनल इन नेचर, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्टरनेटिवली नॉट ऑल्टरनेटिवली मैंडेटरी इन द नेचर ऑफ शेल आप जाके गूगल पे मुझे रिव्यू भी कर सकते हैं, जस्ट राइट चंदन पोदार, रिव्यू सेक्शन में कमेंट लिखना ना भूलें और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट के अंदर एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच।